का दिन बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन के लिए बड़ा बुरा दिन रहा, जब सुप्रीम कोर्ट ने शहनवाज हुसैन के ऊपर रेप का केस दर्ज होने के लिए इजाजत दे दी। अदालत ने शहनवाज के खिलाफ कथित रेप मामले में एक महिला की शिकायत पर यह किया है। महिला का आरोप है कि उसके साथ गलत काम किए गए हैं और अब पुलिस केस दर्ज नहीं कर रही। इसी को लेकर पीड़िता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी। जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने शहनवाज हुसैन की ओर से पेश वकीलों को बताया कि निष्पक्ष जांच होने दीजिए, अगर मामले में कुछ नहीं होगा तो वे बच जाएंगे। मामले में शहनवाज हुसैन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ लूथरा ने पीठ से कहा कि शहनवाज के खिलाफ शिकायतकर्ता महिला ने एक के बाद एक कई शिकायतें दर्ज कराई। पुलिस ने इन शिकायतों की जांच की लेकिन कुछ नहीं मिला। रोहतगी ने आगे कहा कि शहनवाज हुसैन पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। हालांकि पीठ ने कहा कि हमें इसमें दखल देने का कोई कारण नहीं मिला है, इसीलिए हमने शहनवाज हुसैन की याचिका को खारिज कर दिया है। जानकारी देते चलें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले साल 17 अगस्त को शहनवाज हुसैन की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने FIR दर्ज करने का निर्देश देने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। उसके बाद 22 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा था। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हुई सुनवाई में शहनवाज हुसैन के वकील ने कई दलीलें दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक न चली। देश के टॉप वकील रोहतगी ने तो अपने मुवक्किल को बचाने के लिए महिला की शिकायत तक को फर्जी और मनगढ़ंत बता दिया। इससे ये बात समझी जा सकती है कि शहनवाज हुसैन की तरफ से पेश वकीलों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में देश के टॉप वकीलों की दलीलें धरी की धरी रह गई और अंत तक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महिला के पक्ष में सुना दिया। और अब लग रहा है कि जांच होगी। अगर जांच सही साबित हुई तो शहनवाज का जेल जाना तय है, लेकिन अगर जांच गलत है तो फिर वो बरी हो जाएंगे। अब हम आपको बता देते हैं कि आखिर बीजेपी के नेता पर क्या मामला बना है और क्यों रेप का FIR दर्ज हुआ। जी, खबरों की माने तो 2018 में दिल्ली की एक महिला ने बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराने के लिए निचली अदालत का रुख किया था। शहनवाज हुसैन ने हालांकि इन आरोपों से इनकार किया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 7 जुलाई 2018 को हुसैन के खिलाफ FIR दर्ज कराने के आदेश दिए थे। इसे बीजेपी नेता ने सेशंस कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। उसके बाद बीजेपी नेता दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे, वहां पर भी हुसैन को नाकामी हाथ लगी थी और अब देश की सबसे बड़ी अदालत ने सारा रास्ता साफ कर दिया है। देखना होगा कि आगे क्या होता है और क्या शहनवाज जेल जाते हैं या बरी होते हैं। ये तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने शहनवाज को टेंशन में डाल दिया है और लोग काफी चुस्की लेकर बात कर रहे हैं। देखते हैं कि आगे क्या होता है।